बनाने के लिए ऑर्गेनिक जवार फ्लोर लिया है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। आप ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक आपको बाय करना है, आप नॉर्मल कोई भी जवार भी बाय कर सकते हो, बट मेक श्योर वो जवार अच्छा हो। तो चलो देखते हैं जवार प्यूरी हम कैसे बनाते हैं। आज मैं बेबी के लिए जवार की प्यूरी बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आप ये बेबी को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो या फिर लंच में भी दे सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, पतीले को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस ऑन कर लिया है। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है। ये पतीला मैंने अभी धोकर ले लिया है तो ये थोड़ा गीला है। ये पतीले का पूरा पानी सूखने के बाद मैं इसमें घर का बना हुआ प्योर घी डालूंगी। आप देख सकते हो इसका पूरा पानी जल चुका है, तो इस पे मैं एक चम्मच घी डालूंगी और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और एक स्पून में जवार फ्लोर डाल दें और इसे हम अच्छे से सेक के ले लेंगे घी में। आपको अच्छे से सेक के ले लेना है। अराउंड आपको इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से सेक के लेना है। मेक श्योर ये जलना नहीं चाहिए। इसे हमने सेक के ले लिया है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पहले आपको इसमें थोड़ा पानी डाल के जो गांठ है, इसमें जो बन रहे हैं गांठ, वो आपको निकाल लेने हैं। यूजुअली मैं इससे जो भी गांठ जो है वो निकाल लेती हूँ क्योंकि इससे गांठ जल्दी निकल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है पानी थोड़ा कम है तो और इसमें पानी डाल दीजिए और सारे गांठ प्रॉपर निकाल दीजिए। इससे जल्दी जल्दी गांठ निकल जाते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। देख सकते हो आप ऑलमोस्ट सारे गांठ निकल गए हैं। इसे हम और 1 मिनट करेंगे और सारे गांठ निकल जाएंगे। और हाँ, मैंने पानी डालते वक्त गैस को स्लो कर दिया था, आपको गैस स्लो कर लेना है उस वक्त, नहीं तो ये जल जाएगा। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये आपके बेबी को भी पसंद आएगा। मेरी बेबी को तो ये बहुत पसंद है। अभी हम ये स्टेज में अराउंड इतना भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर से बहुत अच्छी टेस्ट आती है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और पानी में बॉईल आने तक इसको पकने देंगे और थोड़ा सा थिक होने देंगे। देख सकते हो आप ये कितना पतला है अभी। जब पानी में बॉईल आएगा ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। अभी आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए और बॉईल आने दीजिए। जब बॉईल आता है बीच बीच में आप चम्मच से इसे हिलाते रहिए, नीचे चिपकना नहीं चाहिए, चिपकेगा तो फिर ये जल जाएगा। ये देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये पहले से बहुत थिक हो चुका है। तो अभी हम ये स्टेज पे गैस बंद कर देंगे। ये अभी थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा तब हम बेबी को सर्व करेंगे। अभी हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके ले लेंगे। खाने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप ये बेबी को आपके लंच में भी सर्व कर सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हो। ये ठंडा भी हो गया है और थिक भी हो गया, अभी आप इसको बेबी को खिला सकते हो।
कौन पापा है? पापा है? चिकुचु पापा है? हाँ, पापा है। पापा को स्माइल दे ले मेरा चिकु। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।